गाइस, तो आज हरिद्वार में डे टू है अपना। अभी हम लोग रूम पे हैं। अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं चंडी मंदिर, उसके बाद जाएंगे मनसा देवी मंदिर, और आसपास में बहुत सारे जगह हैं हरिद्वार में घूमने के लिए। तो देखते हैं आज कहाँ कहाँ जाना होता है और क्या क्या खाना पीना करेंगे, वो भी आप लोगों को दिखलाएंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हम लोग काफ़ी लेट में सो के उठे हैं। रीज़न एसी है जो पूरा रूम को ठंडा कर दिया था, तो उठने का मन नहीं कर रहा था। तो जैसे तैसे नहाए अपन, अब निकलते हैं, माता जी का दर्शन कराते हैं और खाना पीना भी करते हैं। गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चंडी मंदिर, और यहाँ पर सीढ़ी है कि नहीं है वो तो वहीं चलकर पता चलेगा। फिलहाल अपने को चढ़ाई करनी पड़ेगी। ये देखो पूरा बना हुआ है। तो चलिए माता का हम दर्शन कराते हैं। अभी हमने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले माता का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे उतर के खाएंगे, है ना? तो बस चलते हैं माता। तो हमने चढ़ाई चालू कर दिया है, और चढ़ाई करते करते लगभग आधा से 1 किलोमीटर आसपास हमने कवर कर लिया है। देन ये भैया हैं जो नींबू पानी बना रहे हैं, तो भैया के पास मैं नींबू पानी पी रहे हैं। 20 रुपया एक गिलास का है, मीठा वाला बना रहे हैं अपन। थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि सुबह से कुछ भी खाए पिए नहीं है, और गर्मी बहुत तेज़ लग रही है यहाँ पर क्योंकि हम चढ़ाई कर रहे हैं। देखो, देन भैया के पास प्रसाद भी है। काफ़ी हाइट में आ चुके हैं हम लोग। ऊपर में शायद आपको नज़र आए तो वो है मंदिर, तो वहाँ जाना है अपने को। बर्फ़ तोड़ रहे हैं। और देखो अभी भी इतने सारे लोग माता का दर्शन करके वापस आ रहे हैं। ये गया बर्फ़। ये पियेंगे ना तो थोड़ा राहत मिलेगा अपने को। तैयारी हमारी कुछ ना जाम मलिया वाले ने मिली बाजार में गई ना आते यहाँ से बड़ा सामान के चले ना। तो ये ढलान है पूरा, उतरने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ये रहा अपना नींबू पानी। देख रहे हो पसीना कैसे निकल रहा है। हाँ, अभी जो आवाज़ सुने यहाँ पे मयूर हैं बहुत सारे यहाँ पे। गाइस, तो यहाँ पे हमने जूता चप्पल रख दिया है। यहाँ पे निःशुल्क है जूता चप्पल। देन पीछे साइड में है माता का दरबार, ये देखो। तो चलिए माता का दर्शन करते हैं। तो ये है मंदिर जहाँ पे हम दर्शन करने वाले हैं। ये है चंडी मंदिर हरिद्वार का। जय माता दी। तो यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, तो मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाया। लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं, यहाँ से बाहर निकलने का है, तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये देखिए यहाँ पे भगवान विराजित है, और भी मंदिर है। ये देखो जय माँ भद्रकाली जी, तो इनका भी आप घर बैठे दर्शन करिए। यहाँ भी है जय बाबा काल भैरव, तो दर्शन करिए। ये श्री संकट मोचन हनुमान जी हैं यहाँ पे, इनका भी आप घर बैठे दर्शन करिए। और ये देखिए यहाँ भी पूजा अर्चना हुआ है, और इतने सारे लोग हैं जो यहाँ पे दर्शन करके विश्राम कर रहे हैं। इतने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे खिचड़ी मिल रही है प्रसाद के रूप में, तो खिचड़ी भी लेते हैं, खाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं माता का दर्शन करके खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी दोपहर के 12:40 हो रहे हैं। तो ये होटल है रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने में, ये होटल है। मैं जाते जाते आप लोगों को वीडियो ला दूँगा और टेस्ट करके बताऊँगा यहाँ का खाना कैसा है, क्योंकि कल का जो खाना था ना वो इतना कुछ खास नहीं था, सब कुछ फीका फीका था। तो आज मैं दूसरा लोकेशन पर आया हूँ खाना खाने के लिए, तो देखते हैं कैसा है यहाँ का टेस्ट। सारे वैरायटी हैं, मैं लेकिन फिक्स थाली ले रहा हूँ 100 रुपये वाला। पानी पीते हैं, पानी बस ही पिला रहे हैं क्योंकि यहाँ भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये होटल है इनका, सामने में रेलवे स्टेशन हरिद्वार का। तो ये हमारा आ गया है चावल, रोटी, सलाद, और ये मटर आलू की सब्जी है, दाल है। तो ये खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं। गाइस, तो ये रोटी
थोड़ा सा कड़ा हो गया है, मम्मी से बातचीत कर रहा था इस वजह से। लेकिन गरम गरम लेके आए थे भैया। और यह आलू मटर की सब्जी है। देव भाई से पूछते हैं कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर और बेहतरीन टेस्ट है। हाँ, उतना अच्छा नहीं था, आज का बहुत अच्छा है। मेन बात तो गर्म है, ताज़ा मिला हुआ। हाँ गाइस, तो अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ। बाकी में सही लग रहा है, दाल ट्राई करता हूँ। मतलब यहाँ का टेस्ट वगैरह सब सही है। खीरा क्या लग रहा ये वाला रेस्टोरेंट भाई सही है। मैं आगे आपको होटल का नाम बता दूंगा, तो कभी भी आप हरिद्वार आते हैं ना तो ये जगह में ट्राई करिएगा। अच्छा, कल का जो था ना भाई, बहुत बकवास था। यहाँ तो सही है, स्वाद है, नमक मिर्ची का स्वाद है। ये ख़त्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस, तो ये रेलवे स्टेशन है, उसके जस्ट सामने में है ये ज्योति करके लिखा हुआ है। यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, हमने यहाँ पे ट्राई किया है। गाइस, तो अभी हरिद्वार का मनसा देवी आ चुके हैं। इससे पहले हम गए थे चंडी मंदिर। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि हमने दाल चावल रोटी खाया है, स्वादिष्ट वाला। तो चढ़ाई करने की बारी है, आधा दूर तक तो हमारी बाइक आ चुकी है। तो ये गेट है जहाँ से गुड़िया आई है और ये हमारी बाइक है। तो चलते हैं और माता का दर्शन करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी टेम्पल पे और सकल सूरज देख रहे हो भाई, दो दो पहाड़ चढ़ाई कर करके अपन थक चुके हैं। तो ये पीछे में है मंदिर, तो चलिए अंदर चलते हैं, लाइन लगाना पड़ेगा अपने। तो ये देखिए मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट करके लिखा हुआ है, तो चलते हैं। पूरा मंदिर देखिए आप, बहुत प्यारा सा ये मंदिर है और लाइन लगी हुई है भाई साहब श्रद्धालुओं की। चलते जाते हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए। हमने माता का दर्शन कर लिया है, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, चारों तरफ आप लोगों को भीड़ ही भीड़ नज़र आएंगे। वैष्णो देवी टेम्पल यहाँ बहुत सारे हैं, इसलिए गूगल माता सही से बता नहीं रही है। देन यहाँ पे हम लोग बेल का रस पीने वाले हैं। ये देखो दादा जी बना रहे हैं, 20 रुपये गिलास है। तो ये भेल का रस पियेंगे भाई, पहली बार जीवन में मैं भेल का रस पीऊँगा। दादा मस्त बना रहे हैं, मैं दादा से पूछा कि मीठा रहेगा कि खट्टा, तो दादा बता रहे थे मीठा रहेगा। बर्फ़ बर्फ़ सब डाल रहे हैं। ये भेल, भेल को खाते थे हम लोग लेकिन उसका रस कभी नहीं पिया मैं। तो ये सब हरिद्वार में टेस्ट कर रहे हैं हम। देखते हैं इसके बाद कहाँ जाना होता है। वैष्णो देवी टेम्पल तो यहाँ बहुत सारे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला गूगल बता रही है। तो मतलब कि आधा घंटा हो गया घूमते घूमते। जय शबाश, क्या बात है। तो ये आ गया अपना राइस, तो अब टेस्ट करते हैं और बताते हैं। अच्छा बना है, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया हूँ, बहुत अच्छा लगा ये। तो अभी हम आए हैं खाना खाने के लिए नाइट का, क्योंकि घूम घूम कर रात हो गई है ख़राब। सुबह से निकले हुए थे, दोपहर को खाना भी खाए थे, लेकिन अभी रात का खाना खाना है। फिर से थाली खाएंगे, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो आज का हमारा नाइट का खाना आ चुका है, ये जीरा फ्राई चावल, इधर रायता मिला है, आलू, आलू की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी है, और अभी रोटी भी आने वाले हैं। तो ये टेस्ट करके बताते हैं। रोटी आ गई, खाते हैं भाई, बड़े जोरों का भूख लगा हुआ है, और टेस्ट करके बताते हैं। मसूर की दाल मिली है,
जाते जाते मैं बता दूंगा कौन सा जगह मैं खा रहा हूँ। तो ये खत्म करते हैं, उसके बाद फिर रूम चलेंगे।